पौंडित गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक में हमने इसके पहले जो वीडियो दिया बहन बेटियों के लिए दिया, और अब हम वीडियो बच्चों के लिए दे रहे हैं। बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, कहते हैं कि नेहरू जी को भी छोटे बच्चे बहुत सुंदर लगते थे। ये गलत बात नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। तो मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तो छोटे बच्चे अपनी तकलीफ को सही तरीके से बता नहीं सकते, अपने लक्षणों से रोग को जाहिर करते हैं। तो होम्योपैथिक में बच्चों की एक पेटेंट दवा है, ये नहीं कि और दवाइयां नहीं है, लेकिन केमोमिला 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी छोटे बच्चों के लिए, 10 12 15 साल वालों के लिए पेटेंट है। इसका ये मतलब नहीं होता कि बच्चों के अलावा ये दूसरों पे काम नहीं करे, लेकिन 80% बच्चों के लिए, और बच्चों की कोई भी उम्र क्यों न हो, 2 महीने से लेके 1 महीने से लेके 1 दिन से लेके 1 घंटा से लेके आधी घंटा से लेकर के और 15 मिनट बाद पैदा होने के, अगर बच्चा रोता है तो शहद के अंदर एक कैमोमिला 30 की एक बूंद डाल करके उसको चटा दें, या वो मीटनी सूंघ वो चूसता है ना, तो उसके अंदर डाल दें, वो रोना बंद कर देगा। उसको जो भी पेट दर्द या सिर दर्द जो है, अरे डॉक्टर क्या डायग्नोसिस करेंगे आधे घंटे के बच्चे का, क्या टेस्ट करेंगे, उसको छेद डालेंगे। आप सबसे पहले कोई भी आपका बच्चा अगर रो रहा है, वो किसी भी उम्र का है, सबसे पहले कैमोमिला 30 की 3 खुराक 15-15 मिनट में दीजिए, जो 5 साल से ऊपर हैं। जो इससे नीचे हैं छोटे, उनको दिन में 3 या 4 दफा कैमोमिला 30 दीजिए, उनकी तकलीफ ठीक होगी। अब मैं इस औषधि के आपको विशेषता गुण बताता हूँ। कैमोमिला औषधि रोगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने पर, इसका बच्चा बड़ा गुस्सेल होता है, हाँ, गुस्से के कारण उत्पन्न लक्षणों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस औषधि को बहुत ज़्यादा पसीना आने पर, बुखार आने पर, बुखार में प्यास न लगने पर, एक गाल गरम और दूसरा गाल ठंडा रहना, चेहरा पीला पड़ जाना जैसे लक्षणों में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। विभिन्न रोगों में कैमोमिला का प्रयोग आप कर सकते हैं। सांस से संबंधित लक्षण, रोगी को सूखी खांसी आती है, रोगी का मतलब चाइल्ड, 8 साल का, 12 साल का, सभी 9 साल का, 5 साल का, 6 महीने का, सूखी खांसी जो आती है रात को सोते समय अचानक उठ जाती है, लेकिन खांसी होने पर भी रोगी जागता नहीं है। रोगी के गले में अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई चीज अटक रही है, और खांसी उठना रोगी को पुरानी खांसी जो सर्दी के मौसम में बढ़ जाती है, रोगी का पूरा शरीर ठंडा रहना, लेकिन उसके चेहरे और सांस में एक तरह की गर्मी सी रहना, रोगी को एक ही साथ गर्मी और सर्दी महसूस होती है, रोगी की त्वचा नम रहती है लेकिन उसमें ऐसी गर्मी पैदा हो जाती है जैसे कि त्वचा जल रही हो, आदि लक्षणों में रोगी को कैमोमिला देने से लाभ मिलता है।
अब स्त्री रोगों में भी केमो मिला। रोगी स्त्री को मासिक स्राव के समय स्राव का रुक रुक कर आना तथा स्राव में खून काले रंग का गाढ़ा सा आना, रोगी स्त्री को किसी तरह का गुस्सा आने के बाद जो तकलीफें होती है केमोमिला में भी होती है और कोलोसिंथ के अंदर भी होती है। थोड़ा लक्षण मिला लें। हाँ, मासिक स्राव के समय स्राव का रुक रुक कर आना, स्राव में खून काले रंग का गाढ़ा सा आना, रोगी स्त्री को किसी तरह का गुस्सा आने के बाद मासिक स्राव का दर्द होना, प्रसव का दर्द ऊपर की ओर दबाव पड़ने के साथ या पीठ से शुरू होकर जांग के अंदर की ओर नीचे की तरफ उतरता है, रोगी स्त्री का गर्भाशय का मुख सख्त होने के कारण होने वाला दर्द जो स्त्री सहन भी नहीं कर पाती, इस तरह के लक्षण अगर किसी स्त्री में है तो केमोमिला 30 दिन में 3 बार दे सकते हैं। केमोमिला 200 की भी एक खुराक दे सकते हैं। कान से संबंधित लक्षण, छोटे बच्चों में कान की तकलीफ बहुत होती है। रोगी के कानों में इतनी तेजी से दर्द होना कि रोगी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। यहाँ मैं कुछ रुकता हूँ। अगर असहनीय कान में दर्द हो, बच्चा को तो काम करेगी ही, अगर बड़े भी हों तो भी वो केमोमिला 1000 की एक खुराक ट्राई करें। कान में इतनी तेजी से दर्द होना कि रोगी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। रोगी को कानों में थोड़ी थोड़ी देर के बाद दबाव सा महसूस होता है, कानों में जरा सी ठंडी हवा लगती है तो रोगी के कानों में दर्द होने लगता है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को केमोमिला देने से आराम आता है। पेट से संबंधित लक्षण, पेट में गैस भर जाने के कारण रोगी का पेट फूल जाता है और बहुत तेज दर्द होता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद में गुर्दा द्वार से गैस निकलती रहती है, लेकिन फिर भी रोगी को पेट दर्द से आराम नहीं मिलता। काफी पीने वाले लोगों को होने वाला पेट दर्द, यह आदमियों के लिए भी है, जो कॉफी पीते हैं उनको अगर पेट दर्द होता है तो वो केमोमिला लें। रोगी का पेट बहुत ज्यादा सख्त हो जाना, जैसे कि पेट में कोई बहुत भारी पत्थर रखा हो, रोगी को पतला सा बिल्कुल पानी की तरह का हरे रंग का बदबूदार दस्त आना, जैसे कि लक्षणों में केमोमिला देना उपयोगी होता है। मुंह से संबंधित लक्षण, रोगी जैसे ही कोई बहुत गर्म गर्म चीज खाता है तो उसके दांतों में बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिर मैं कुछ समय के लिए रुकता हूँ। दांत के असहनीय दर्द के अंदर अधिकतर होम्योपैथिक के अंदर दांतों की क्रियोजोट है, प्लेटेंगो मेजर है, या असहनीय दर्द होते ही काफिया है और इस तरह की दवाइयों की व्यवस्था करते हैं। केमोमिला 1000 की 15-15 मिनट में 3 खुराक दीजिए, ऐसी स्थिति में दीजिए कि असहनीय दर्द हो। किस में? दांत में, दांत में हो या ढाड़ के अंदर हो, आराम आ जाएगा, क्योंकि रात को कहाँ दांत का डॉक्टर मिलेगा आपको। और इसका जो लक्षण होता है दांत का, रोगी अगर गर्म कमरे में जाता है तो उसके दांतों में दर्द होने लगता है। रोगी को अपने दांत मुंह से बाहर आते हुए महसूस होते हैं। बच्चों के दांत, बच्चों के दस्त हो, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनके दांत निकलने की अवस्था आती है तो बच्चों के दांत में भी दर्द होता है और वो पतला दस्त भी जाते हैं। तो कहावत में यूं कहा जाता है कि भाई अब बच्चे के दांत आने वाले हैं। तो ये पेटेंट दवाई है उसकी हर तकलीफ की। रोगी को अपने, हाँ,
बच्चे को हरे रंग का दस्ताना, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। इन लक्षणों के आधार पर रोगी बच्चे को केमो मिला दीजिए। इन लक्षणों के आधार पर रोगी को केमो मिला दीजिए। रोगी के लिए ये औषधि बहुत ही उपयोगी साबित होती है। केमो मिला सबसे बढ़िया ये 30 पोटेंसी में काम करती है। मैं रुका हूँ, इसलिए रुका हूँ कि ये इनके अंदर जो है आधा अधूरा है, जो खास चीज है वो इसके अंदर बताई नहीं। अब मैं बता देता हूँ, मेरा अनुभव बता देगा और बुक्स बता देंगे और डॉक्टर बता देंगे। जो सत्य है, 1+1 दो होते हैं, वो दो ही होंगे चाहे आप कहीं भी चले जाएं। इसका एक खास लक्षण छोटे बच्चे का लिख लीजिए, याद रखिए। बच्चा टी 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 रोता है, माँ परेशान हो जाती है, अरे मेरे बेटे क्यों रोता, अरे क्यों रोता, नींद खराब कर दी मेरी, बैठी होकर के और उसको लेकर के गोदी में और कमरे के अंदर थोड़ा इधर उधर चलते ही बच्चा चुप हो जाता। ये है खास लक्षण। होम्योपैथिक इसको कहते हैं। जिसने भी ये आर्टिकल दिया है मानसिक लक्षणों का नहीं दिया, सिर्फ शारीरिक लक्षणों का दिया, जबकि मानसिक लक्षण जो मैं बता रहा हूँ वो अति आवश्यक है, बिना उनके रोग ठीक नहीं होता। तो बच्चे को कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर बच्चे को गोदी में लेते ही वो चुप हो जाता है तो उसकी दवा है केमोमिला 30। अगर आप केमोमिला 30 के साथ में एंटीमोनियम क्रूडम 30 पोटेंसी साथ में कर देते हैं तो बच्चा और जल्दी ठीक होता है। अब ये बच्चे की हुई ना दवा, बड़े आदमी जो रोता है तो उसको तो गोद में लिया नहीं जाता, बच्चे को ही गोद में लिया जाता है। तो कोई प्रश्न करता, अगर सवाल करता है कि ऐसा कैसे होता है, जो बच्चा बुरी तरह से बिस्तर पर रो रहा है और उसको गोदी में लेते ही वो चुप हो जाता है और फिर सुलाते टी 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 करने लग जाता है, तो फिर उसकी माँ पूरी रात परेशान हो जाती है और डॉक्टरों के चक्कर लगाती है। डॉक्टर न मालूम क्या क्या इंजेक्शन उसके ठोकते हैं, करते हैं, कितने सिरप लिखते हैं। अरे छोटे बच्चों का एलोपैथी के अंदर इलाज, बाप रे बाप, वो कड़ी भी दवाई नहीं खा सकते, लेकिन किया क्या जाए। माँ बाप कहाँ जाए, किसके पास जाएं, उनको पता भी नहीं है माता पिता को कि होम्योपैथी के अंदर बच्चों के लिए ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो छोड़ गए हैं, जो प्रमुख दवा केमोमिला 30 पोटेंसी, दूसरी दवा बच्चों की इथुजा, तीसरी दवा बच्चों की एंटीमोनियम क्रूडम, चौथी दवा बच्चों की कैलकरिया कार्ब, जो बच्चे चूना खाते हैं दीवारों का उतार उतार के, कितनी ही दवाइयाँ बच्चों के लिए भरी पड़ी है। हाँ, तो अब मैं आता हूँ, वैसे बहुत लक्षण है कि आपकी संतुष्टि के लिए बताता हूँ कि बच्चा टी 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 करता है और उसको जैसे ही गोद में लेके यहाँ रखा चुप, हंसने लग जाता है, उसकी माँ परेशान हो जाती है। अब मैं बताऊँ वो क्यों चुप हो जाता है गोद में लेने से और बिस्तर पे क्यों रोता है। बच्चे का पेट में दर्द है,
वो अपने मुख से नहीं कह सकता 2 महीने का बच्चा 6 महीने का बच्चा। तो जब वो लेटा रहता है तो उसका पेट सीधा रहता है तो दर्द होता है, और जब उसकी माँ उसको लेकर के अपने कंधे और यहाँ पे लगा के बेटा चुप हो जा बेटा चुप हो जा, गब्बर सिंह आएगा बेटा चुप हो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा, और बच्चा चुप। वो चुप इसलिए होता है कि उसके पेट के दर्द को आराम मिलता है माँ की गोद में। और वो आराम कैसे मिलता है? वो आराम ऐसे मिलता है कि बच्चे को जैसे ही माँ अपनी गोद में लेती है तो बच्चे का जो पेट है वो माँ की गोद में यूं करते ही है जो पेट दब जाता है, और पेट दबते ही बच्चे की पीड़ा ठीक हो जाती है। ये होते हैं लक्षण मानसिक का, आपने कह दिया होता कैसे है, कैसे नहीं होता है। अरे एक दवा ऐसी भी है होम्योपैथिक में, बताएंगे हम, कि बच्चा रात भर रोता है और दिन भर सोता है, और एक बच्चा दिन भर रोता है और रात भर सोता है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम छोटे बच्चों के लिए कम से कम 2, 3, 4, 5 वीडियो डालेंगे, क्योंकि आप और हम तो चले जाएंगे जो मेरी उम्र के हैं, जो मेरी उम्र के हैं वो तो चले जाएंगे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे नन्हे बच्चे हैं वो बड़े होते जाएंगे। तो फिर लो हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, के पगे गुंगरू, के पगे गुंगरू बांध, मेरा नाची रे, मेरा नाची रे, नाची नाची नाची, के पगे गुंगरू बांध, मेरा नाची रे। बुजुर्गों ने फरमाया अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। और जिसका नमक खाया है नमक चुकाओ। इसमें फिल्म के अंदर ओम प्रकाश की एक्टिंग, दद्दू इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में ठहरने का एक अलग ही आनंद है। खैर जाने दीजिए, आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। ये आज का वीडियो छोटे बच्चों के लिए, और केमो मिला सबसे 21 दवा है नंबर 1 की, और वीडियो में दूंगा बच्चों का, जिसके अंदर बच्चों को पीलिया हो जाता है, उनको और रोग हो जाते हैं, उनको कितने ही बीमारियां हो जाती है। तो आप बराबर मेरे संपर्क में रहें, मेरे हर वीडियो को आप देखें। हम पता नहीं कब कौन सा वीडियो दे डालें, हमारे को खुद को पता नहीं। हमें मैं अभी मालूम नहीं था कि हमें मतलब कि बच्चों का वीडियो देना है, बैठ गए तो बच्चों पे दे दिया। केमो मिला चाइल्ड, गोदी में लेने से उसकी हर बीमारी कम होती है। कम वो इसलिए होती है कि उसका पेट दब जाता है, कम हो जाती है। तो इस चीज को माता पिता समझें, और उसके पेट दर्द के लिए हम उपचार भी बता देते हैं। अब 2 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है,
गोदी में लेने से चुप होता है, ये पता लग गया कि इसके पेट में दर्द है। अब माँ गोदी में कहाँ तक रखेगी? ये उपचार एक घरेलू में आपको बता देता हूँ। आप एक छोटी सी खरल, इतनी सी खरल, अरे खरल नहीं तो कोई छोटा सा इतना सा पत्थर, उसके ऊपर काले नमक की आप डेढ़ या दो गेहूं जितना काला नमक उसमें डालें और दो ही गेहूं के बराबर उसके अंदर अजवाइन डालें और उसमें थोड़ा सा पानी का वो देके उसको एकदम मतलब बारीक कर लें। बारीक करके उसको यूं अंगुली से एक कटोरी के अंदर ले लें या एक चम्मच में ले लें। फिर उसके अंदर शहद डाल दें। कितना डालें शहद? अब हम क्या बताएं, हम नाम भूल गए। वो हमें याद है कि आजकल वो बंदर पालते हैं ना, तो उनके मुंह के अंदर वो बच्चे जो बींट, देसी भाषा में बींट नहीं बोलते थे हम, तो उसके अंदर इतनी सी रबड़ की वो लगी रहती थी, अरे से गोल, तो बच्चा रोता था तो उसके मुंह में उसकी मात दे देती थी। उसके अंदर हनी भरा रहता था, शहद भरा रहता था। तो आप भी इसी तरह उसको कैसे भरें, उसको यूं करके और उसके अंदर भर दें और वापस उसके अंदर लगा दें, या तो वो चूसने के लिए दे दें। याद रखिए शहद ज़्यादा होना चाहिए। ये अजवाइन और काला नमक थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, उससे 8 गुना शहद होना चाहिए ताकि बच्चे को कड़वाहट नहीं लगे। ये इस तरह दिन में 2 या 3 बार अगर आप दें तो आपके बच्चे का पेट दर्द ठीक हो जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अंगुली से चटा लें। चटा दिया, एक खुराक हो गई एक दिन में, और एक रात को, और बस 3 खुराक बहुत है। ये बड़े आदमियों की दवा है लेकिन चाइल्ड के लिए भी दवा है। आपके बच्चे का पेट दर्द ठीक हो जाएगा, सिर में दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगा। वो टीं 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 नहीं करेगा, लेकिन हम तो टीं 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 करते जाएंगे। और आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, आप अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सामने है वैसे ही होना चाहिए। पराई नार, क्या गाना गाया किशोर दा ने, अरे कुछ मनोरंजन की बात हो गई। देखो अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। हमें इस बात का वो नहीं है कि कितना मिनट का वीडियो है क्या नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें खाली हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी तकलीफ कम कैसे हो, सिर्फ इसी बारे में हम सोचते हैं। बस आपके बच्चे तंदुरुस्त रहें, आप तंदुरुस्त रहें, मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। आप मेरा वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।